अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ प्रोफेसर मुदस्सिर अय्यूब। आई एम हेयर टू टॉक अबाउट फिज़िक्स चैप्टर 16, अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, हाउ कैन वी प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 15 के कुछ कंसेप्ट्स को रिकॉल करने की तरफ चलूँगा मैं, चैप्टर 16 को स्टार्ट करने से पहले। चैप्टर 15 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मेरा पहला पॉइंट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। चैप्टर 15 में हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर डिस्कस किया था, उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन ये आपकी बुक से फैमिलियर डायग्राम नहीं है। मैं आपको डायग्राम रिकॉल करवा रहा हूँ। हमारे पास एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। इसके दरमियान में हमने कॉइल को रोटेट करवाया था अबाउट इट्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज हमने इसे रोटेट करवाया था। इसकी एक साइड थी ए बी और एक साइड थी सी डी। आपको याद होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द क्वाइल चेंज हो रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। जैसे जैसे क्वाइल रोटेट हो रही थी, ए से बी के दरमियान, ए से बी लेंथ में मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही थी, ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। लेंथ ए बी में भी मोशनल ईएमएफ क्रिएट हो रही थी और लेंथ सी डी में भी मोशनल ईएमएफ वी बी एल साइन थीटा क्रिएट हो रही थी। इन मोशनल ईएमएफ की वजह से बी एक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था और एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ए बी लेंथ में डाउनवर्ड और सी डी लेंथ में अपवर्ड। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी रोटेशन के दौरान ए बी में करंट डाउनवर्ड रहे और सी डी में अपवर्ड। आपको याद होगा कि जब ये अपना एक सर्कल हाफ साइकिल कंप्लीट कर रही थी उस वक्त डायरेक्शन चेंज हो गई थी। ए बी का करंट जो था डाउनवर्ड मूव कर रहा था, वो अगले हाफ साइकिल में अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया था उसने। उसकी रीज़न क्या थी, हमने इस एक्सप्रेशन से वी और बी के दरमियान में एंगल चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से चार्जेस पर लगने वाली फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसी वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। इसी वजह से हमने इसका नाम रखा था अल्टरनेटिंग करंट। हमने वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था व्हाई वी कॉल दिस अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में ये अपनी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है हाफ साइकिल के बाद। हाफ साइकिल कंप्लीट करने के फौरन बाद ये अपनी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। क्वाइल की रोटेशन वहाँ पर एंगल के लिहाज से हमने एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने इसी क्वाइल का टॉप व्यू बनाया हुआ है। यहाँ पर टॉप व्यू में देखें, ये जो आपकी ए डी, अगर हम इस क्वाइल को ऊपर से देखें तो ये क्या नज़र आएगी, यहाँ पर ए और डी साइड नज़र आएगी, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऊपर से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ये आपकी साइड कौन सी है, ए और डी साइड। यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन हुए हुए हैं, जैसे जैसे क्वाइल रोटेट करना शुरू करती है अपने एक्सिस के अबाउट, वैसे वैसे ही अगर हम टॉप व्यू को ऑब्जर्व करें तो क्वाइल रोटेशन शो कर रही है हमें। एंगल के लिहाज से हम एक सर्कुलर रोटेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि आप सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करके आए हैं। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो तो उसके सेंटर पर एक एंगल बन रहा होता है, उस एंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं। सेम एज इट इज ये जो क्वाइल है, इसकी लेंथ मूव कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर जब हमने इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में मूव करवाया, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द क्वाइल
के दरमियान में से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा था। ये जो ई पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है कि ये ए डी लेंथ नॉर्थ और साउथ में परपेंडिकुलर खड़ी हुई है। यहाँ से फील्ड गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, लेकिन कांस्टेंट फील्ड गुजर रहा है। हमारी ईएमएफ कब प्रोड्यूस होती है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम जैसे जैसे कॉइल को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ये ई पोजीशन से मूव होकर क्वाइल किधर जाएगी? एफ पोजीशन पे। वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा होगा उस वक्त लेंथ ए बी में, उस वक्त लेंथ ए बी में करंट मूव कर रहा होगा। यहां पर जो डायग्राम है इसमें करंट को मैंने शो किया है अपवर्ड, ए बी डायरेक्शन में करंट अपवर्ड आ रहा है। डॉट हमें किस चीज को शो करता है कि करंट, डॉट हमें किस चीज को शो कर रहा है? करंट कहां पे आ रहा है? आउट वर्ड टू द बोर्ड। और क्रॉस हमें क्या शो कर रहा है? इन टू द बोर्ड। यहां पर जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं और ए बी लेंथ में करंट आउटवर्ड मूव कर रहा है। ये क्वाइल ने 0 से 90 तक मूव करते हुए अपनी रोटेशन कंप्लीट की, 0 से 90 तक। ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? ये क्वाइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो एक्सिस पर बन रहा है ये एंगल 0 से 90 तक। ये जब क्वाइल रोटेट करेगी तो हमारा जो वोल्टेज है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू तक। कहाँ तक? पॉजिटिव पीक वैल्यू तक। जैसे जैसे क्वाइल 0 से 90 तक रोटेट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और 90 एंगल, जैसे ही 90 एंगल होगा क्वाइल की रोटेशन का उस वक्त पॉजिटिव पीक वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम इंड्यूस हो चुकी होगी। उसके बाद क्वाइल ने अपना अगला रोटेशन को कंटिन्यू रखना है 90 से 180 एंगल के दरमियान फ्लक्स जो है वो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्वाइल में से जो फ्लक्स गुजर रहा था वो अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। उस वक्त ये जो वोल्टेज है इंड्यूस वोल्टेज ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। ये क्या पॉइंट टू पॉइंट क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्वाइल ने मज़ीद रोटेट करना है 180 से 270 डिग्री तक। जब ये रोटेट कर रही होगी उस वक्त डायरेक्शन जो है करंट की रिवर्स हो जाएगी। अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स क्यों होती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर V और B के दरमियान में जो एंगल है इस वजह से डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स और रिवर्स डायरेक्शन में लगती है, करंट भी रिवर्स हो जाता है। अब जब ये 180 से क्वाइल हमारी रोटेट करेगी 270 तक, उस वक्त ये जो लेंथ थी इसकी यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। पहले करंट आउटवर्ड आ रहा था, फिर करंट क्या आ जाएगा? करंट इनवर्ड हो जाएगा। क्रॉस किस चीज़ को शो करते हैं? इन टू द बोर्ड। डॉट और क्रॉस का कंसेप्ट आपको अगर कंफ्यूज करता है तो इसको इस अंदाज से याद रख लें कि ये कोई एरो है, अगर कोई तीर का निशान या तीर आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको आगे से टिप नजर आएगी। इट्स मीन कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है। डॉट से मुराद आउटवर्ड टू द बोर्ड, टूवर्ड्स यू। और अगर आप तीर को पीछे से देखें, एरो को आपसे अवे कोई चीज़ जा रही हो तो आपको एरो का क्रॉस नज़र आएगा। तो जब कोई चीज़ आपसे अवे जा रही हो तो उस वक्त आपको क्रॉस नज़र आता है। इसीलिए हमने ये दो पॉइंट्स बना लिए। जब हमने किसी पेपर पर पेपर वर्क करना हो या बोर्ड पे हमने कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो तो हम डॉट कब यूज़ करते हैं? आउटवर्ड टू द बोर्ड। और क्रॉस कब यूज़ करते हैं? इन टू द बोर्ड के लिए। अब यहाँ पर क्रॉस क्या शो कर रहा है कि करंट जो है वो इनवर्ड हो गया। पहले आउटवर्ड डॉट डायरेक्शन शो की हुई है, आउटवर्ड आ रहा था, अब इनवर्ड आना शुरू हो गया। 180 से 270 के दरमियान में मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया है।
जब दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो रहा है तो उस वक्त हमारी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रही है, लेकिन उससे जो बनने वाला करंट है वो क्या है, वो रिवर्स डायरेक्शन में है। हमारी जो वोल्टेज इंड्यूस हुई वो भी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस हो रही है और इंक्रीज करती करती अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पीक, लेकिन नेगेटिव क्या, यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद ये अपनी रोटेशन 270 से क्वाइल अपनी रोटेशन, हम टॉप व्यू याद रहे, हम यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, टॉप व्यू। तो ये अपनी 270 से 360 रोटेशन जब कंप्लीट करती है, 360 डिग्री जब कंप्लीट कर लेगी, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, जब ये 270 से 360 पर जाएगा तो उस वक्त दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उस वक्त हमारी जो ईएमएफ इंड्यूस हुई थी वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गई और वो अपने जीरो एक्सिस को, अपने यहाँ पे जब हमने ग्राफ प्लॉट किया है, वो अपने जीरो एक्सिस को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 15 में, उससे बनने वाली जो आउटपुट थी, उससे जो आने वाली आउटपुट वोल्टेज थी, उसका बिहेवियर समझा कि जैसे जैसे क्वाइल रोटेट कर रही होती है, एक कंप्लीट रोटेशन 0 से लेके 360 डिग्री तक रोटेट करती है, वैसे वैसे ही उसमें एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, और फिर नेगेटिव साइड में इंक्रीज करता है और फिर दोबारा अपनी जीरो वैल्यू को अप्रोच कर रहा होता है। अब यहां पे हम इसको अपने चैप्टर 16 के कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं। हमने बात की अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से, उससे जो बनने वाला करंट है उसका बिहेवियर क्या होता है, वो अपने एक कंप्लीट साइकिल में, अब इसी वोल्टेज से बनने वाला जो करंट होगा उसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह से होगा, साइनोसॉइडल ग्राफ। हमने चैप्टर 15 में जो एक्सप्रेशन बनाया था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी से हमने करंट का एक्सप्रेशन बनाया था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हम इस करंट को चैप्टर 16 में हम इस करंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, करंट अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को हम डिफाइन कर लेते हैं, उसी को डिफाइन कर लेते हैं। बुक वालों ने भी डेफिनेशन पहले एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया और डेफिनेशन बना ली, तो हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने इसी जो कंसेप्ट को हमने समझा है उसी से डेफिनेशन ड्राइव कर लेने दी है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी करंट भी बढ़ रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज कर रही थी वैसे वैसे करंट भी डिक्रीज कर रहेगा, जैसे जैसे वोल्टेज नेगेटिव साइड पे इंक्रीज करेगी करंट भी इंक्रीज करेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड उसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और जो उसकी डायरेक्शन है पहले हाफ साइकिल में 0 से लेके 180 रोटेशन में, और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 0 से टी बाई 2 टाइम पीरियड में उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और उसके बाद हाफ साइकिल के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंड डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम से मुराद हाफ साइकिल। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और यहां पर मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और डायरेक्शन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट।
हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, हम डायरेक्ट करंट पढ़ चुके हैं पहले, देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या था? डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन एक ही हो। डायरेक्ट करंट किससे प्रोड्यूस किया जाता है? बैटरी या सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। यहां पर बैटरी हम लगा देते हैं, करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर में से? पॉजिटिव से फ्लो करता है और नेगेटिव। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस सेम रहेगी। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो हमने ये जो करंट देखा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें हमने देखा कि ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज कर रहा है, अपनी पोलैरिटी एक कंप्लीट साइकिल में, अपनी एक कंप्लीट साइकिल में पोलैरिटी को क्या कर लेता है? रिवर्स कर लेता है। हाफ साइकिल में पोलैरिटी कुछ और नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी कुछ और। हम इस अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो ऑब्जर्व करते हैं, फ्लो ऑफ एसी। फ्लो ऑफ एसी किस तरीके से होता है हम कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स का सिंबल याद रखें ऐसा होता है। एसी सोर्स का सिंबल क्या होता है? इस तरह से। और डीसी का सिंबल कैसे होता है? इस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से T/2, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब टाइम पीरियड 0 से T/2 था, उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो पॉजिटिव पीक को अप्रोच कर रहा है। एक साइड इसकी पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। पोलैरिटी अगर हम डिस्कस करें तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड, करंट अब इसमें कैसे फ्लो हो रहा होगा? इस डायरेक्शन के अंदर। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ये किस टाइम पीरियड में? मुकम्मल जब टाइम पीरियड टी हो जाता है। हम टाइम पीरियड के कंसेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। टाइम पीरियड ये कंसीडर करें कि ये कंप्लीट एक रोटेशन है। यहाँ पर ये हाफ, इसको अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड करें इस रोटेशन को, पहला चौथा हिस्सा T/4, दूसरा चौथा हिस्सा T/4, तीसरा चौथा हिस्सा T/4, चौथा हिस्सा T/4, ये मुकम्मल टाइम पीरियड टी है, ठीक है। यहाँ पर 0 से T/2 से मुराद क्या है? पहला 0 से T/4, पहला चौथा हिस्सा वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दूसरा चौथा हिस्सा T/4 से 2T/4, वो किसके इक्वल आ जाएगा? T/2 के। उस हिस्से में वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है करंट की। उसके बाद ये नेगेटिव साइड पर इंक्रीज कर रही है T/2 से 3T/4, तीन हिस्से। तीसरे चौथे हिस्से में क्या हो रहा है? ये नेगेटिव साइड पे इंक्रीज कर रही है और चौथे हिस्से में 4T/4, वो किसके इक्वल आ जाएगा? टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया टी, वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये वैल्यू ऑफ करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है 0 से T/4, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। और अगले हाफ में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये था फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ करंट से आगे
इसका साइकिल, साइकिल क्या है, ये जो क्वाइल कंप्लीट एक रोटेशन करती है इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। कंप्लीट रोटेशन, जीरो से शुरू हुआ और ये वापस 360, जीरो से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, ये इसने अपना एक कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, चले साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड साइकिल। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ये जब शो करता है एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा होता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर साइकिल क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ क्वाइल। टाइम पीरियड क्या है, अपना एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करेगी क्वाइल उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड। अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, टाइम पीरियड क्या है, जिसमें एक मर्तबा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, जिसमें एक मर्तबा अपनी करंट जो है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, द टाइम The time taken by the coil to complete its one cycle is called time period. फिर हमारे पास आ जाती है frequency. Frequency क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड इन, नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जो साइकिल कंप्लीट करेगी क्वाइल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। हमारे जो पाकिस्तान में जो एसी सोर्स या अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 साइकिल, 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यहां पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट विद रेफरेंस टू विद सम
विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू. जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था करंट का चैप्टर 15 में वो क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट साइन ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/T. ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वाइल, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स. यहां पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T × T. ये एक्सप्रेशन है, ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. हर पॉइंट पर करंट जो है वो वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है, अपनी वैल्यू वेरी कर रहा है. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T. हम यहाँ पर डिफरेंट टाइम पीरियड पुट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम पीरियड के लिहाज से. वो हेडिंग क्या देंगे आप, वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद टाइम एंड फेज. यहां पर हम जब हम टाइम जीरो पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की एक्सप्रेशन, आई नॉट साइन 2π/T × टाइम. ये जो टाइम है इसकी वैल्यू वेरी करेगी जब हम टाइम जीरो पुट करते हैं. यहां पर देखें ये टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, जीरो. उस वक्त इस एक्सप्रेशन के हवाले से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T, यहाँ पर t और ये ज़ीरो. एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, करंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के. तो यहाँ पर जो करंट है वोल्टेज पीक, ये ग्राफ वोल्टेज पीक के हिसाब से बना हुआ है और करंट भी इसी तरीके से अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा. एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर करंट के हवाले से निकाल रहा हूँ, आपकी बुक में एक्सप्रेशंस वोल्टेज के हवाले से निकले हुए हैं, मैं यहाँ पे करंट के हवाले से उसको निकाल रहा हूँ. I इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T × 0, ये करंट यहाँ पे हो गया जीरो. जब हम टाइम पुट कर रहे होते हैं, जब हम यहाँ पर टाइम कंसीडर करें कि क्वाइल ने अपना जीरो से 90 एंगल पूरा कर लिया, करंट वोल्टेज बनी जीरो से मैक्सिमम तक और टाइम पीरियड गुजरा 0 से T/4. अब टाइम पीरियड हो गया T/4. हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T T/4. टी टी से क्रॉस हो जाएगा, 2 और 4 ये आ गया 2. एंगल कितना बन गया, साइन पाई बाई 2. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2. अब हमारे पास करंट मैक्सिमम आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम टाइम को कितना पुट कर देते हैं, T/2. इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, I नॉट साइन 2π/T × T/2. टी टी से क्रॉस हो जाएगा 2 से, ये एक्सप्रेशन बनेगा I नॉट साइन पाई. I इज इक्वल टू I नॉट और साइन पाई कितना होता है, जीरो. ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जीरो. टाइम पीरियड T/2 के बाद हमारे पास करंट क्या हो जाता है, जीरो. यहाँ पे ग्राफ में देखें जीरो से मैक्सिमम तक जाएगा टाइम पीरियड, जीरो से T/4 में, फिर T/4 से T/2 में दोबारा जीरो को अप्रोच करेगा, एक्सप्रेशन जीरो बन गया. उसके बाद बस ये वाला करते हैं, थोड़ा सा रह गया. अच्छा, ये यहाँ पर T/2 से जब हम एक्सप्रेशन पुट करेंगे टाइम पीरियड का 3T/4, उस वक्त I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T 3T/4. एक्सप्रेशन क्या बनेगा, टी टी से कैंसिल, ये 2 से एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास I नॉट साइन 3π/2. दिस इज द 270 एंगल. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस 1 माइनस आई नॉट, करंट
नेगेटिव पीक पर चला गया, करंट की वैल्यू क्या बन गई, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट करंट नेगेटिव पीक कर। यहाँ पर ग्राफ वोल्टेज के हवाले से बना हुआ है, यहीं पे आप ग्राफ कंसीडर कर लें करंट के लिए। ये करंट भी इसी तरीके से, ये एक्सप्रेशन आपकी बुक में वोल्टेज के हिसाब से बने हुए, मैंने करंट के हिसाब से बना दिया। उसके बाद ये अपनी चौथे टाइम पीरियड में, ये क्या नाम है, 4T/4 टाइम पीरियड के चौथे हिस्से में टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, उस वक्त हम टी को क्या पुट करेंगे, 4T/4 मतलब के टी 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी आई इजिकल टू आई नॉट साइन 2π/T एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ये साइन यहाँ पर टी की जगह कैपिटल टी, टी टी से क्रॉस हो गया, 2π हमें क्या देता है 0, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये आपका कुछ स्टार्ट था, बेसिक थी, फंडामेंटल्स थी, इसको हम अगले लेक्चर में कवर अप करते हैं इंशाल्लाह।